ये समस्या बहुत बड़ी है। ये समस्या को अगर देखा गया है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। डीजे माइक्रो डीजे बंद कर दें तो डीजे भाई साउंड ऑफ कर दें तो आज फाइनल नहीं होगा, फाइनल कल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चला गिरा उठ बैठ चला अंपायर बाबू।
दिया है कि मैं कम से कम टोटल किलोमीटर रखने की कोशिश करेंगे, फिर किसी एक कुछ भी हो सकता है, मैं किसके पक्ष में जाएगा ये समय ही बयान करेगा। साथियों, इस मिट्टी के लिए और इस देश के लिए और इस गांव के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए मैं दो कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान का बहुत दुख भरा दिन है। साथियों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। साथियों, गांधी जी ने कहा था कि ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इस देश का नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इस देश का कंकर कंकर हमारे लिए शक्कर है। जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती रस्तियों से कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। ताली ठोक दीजिए हिंदुस्तान के लिए, ताली ठोक दीजिए भारत माता के लिए, और ताली ठोक दीजिए इस मैदान के लिए जिसके खिलाड़ियों ने चलना और खेलना सीखा है। ताली ठोक दीजिए दो टीम के लिए जिन्होंने कड़ी परिश्रम कड़ी मेहनत के चलते इस मुकाम को छुआ है। साथियों, ताली सिर्फ मेरे लिए मत ठोकना, मैं कोई आकाश के बड़े हरी शास्त्री नहीं हूं, मैं आपका क्रिकेट का छोटा सा क्रिकेटर हूं जो आपके बीच में उपस्थित रहता हूं, क्रिकेट में कमेंट्री करता हूं, ज्यादा कुछ तो कमेंट्री आती नहीं है, लेकिन आप लोग उम्मीद करते हैं तो कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, और क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आ गए इस मैदान के ऊपर रूह बरसने वाला है, क्योंकि बदकिस्मती से टूर्नामेंट का फाइनल दिवस कल रखा गया है और सभी को इन्वाइट करते हैं, सभी को वेलकम करते हैं। मेरे भाई एट बस से देखा एट बस से ना है मोहित डक अरे सॉरी यार भाई एट बस के गेस्ट के हाउ टू क्या क्वेश्चन है अच्छी मौत हम डक बड़े बड़े आगे बस Yeah, that's cool.
विश्वास साहू सिंह विश्वास प्लेइंग 11 इंपैक्ट पमी नायक एंड सुपेश सेठी आज रे मैच 15 ओवर विशिष्ट मैच कंपल्सरी पावर प्ले 4 ओवर एई पावर प्ले नियम अनुसार दुईटी प्लेयर सर्कल पार रही परिबे एवं मैक्सिमम गोटे बॉल 3 ओवर बॉलिंग कर परिबे जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय मां भोलाकासणी रामचंद्र ग्रुप प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो सारी फाइनल दिवस पहुंची सारी दुईटी एलएससी एवं आरसीबी बहुत बहुत जगार विभिन्न विभिन्न स्पन्सर मान आशीर्वाद एवं सहयोग रही टूर्नामेंट को सफल करने ¡Gracias!
चलिए चलते हैं, उल्टी गिनती शुरू कर दो। एम्पायर सर, बबलू एम्पायर को आप देख रहे हैं, उड़ीसा की गलियों में परिचित है। इस लड़के ने अपना बहुत नाम कमाया है। चलिए शुरू कर दो एम्पायर। चलिए डॉट गेंद से शुरुआत हुई है इस मैच की। अंपायर संतोष सर को अमृत राही बट के हुई कैप्टन के हल से ठीक से रखी देते हैं। एकदम आउट होते ऑफर फ्रंट से अपनी समस्त बैट्समैन को पाई। बेल रखा तो अंपायर सर ओके थैंक यू। एक और डॉट गेंद, लगातार दो गेंद डॉट हो चुकी है। ये शॉट है, अच्छा है, बेहतरीन शॉट है, लेकिन कैच पकड़ने की कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन अपने आप को जज नहीं कर पाए। जीवन दान ही कहा जाएगा बल्लेबाज के लिए। पहला चौका मिल चुका है इसे, किनारे भी चल रहा है, हालांकि टूर्नामेंट का फाइनल कल होगा। दोनों टीमों के लिए चमचमाती हुई ट्रॉफी अवश्य स्कोर बहुत ज्यादा है, लगातार इसे सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा है 7 रन। अब ये बिग ऑफर एनाउंसमेंट भेजी, ये जो बैट्समैन सप्तम हासिल करेंगे 3,100 नगद राशि स्पॉन्सर करेंगे। बोलो प्रधान
पहले ओवर समाप्त हो चुका है।
यहाँ से मैच शुरुआत कीजिए क्योंकि आपके पास आगे तीन मैच है। जो भाई डीजे लाइट वाला चली एवं चेयर डाल शोर बोर्ड की तरफ देखते हुए जब आप लोगों को रेड पता का दिखाई दे सकते हैं आप डीजे बंद कर दो तीसरा ओवर लेके आएंगे तो वन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अपनी कर रहे हैं जैसे अभी क्रीज पर खड़े एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी अभी आधा रिमिक्स खेलनी पड़ेगी मैच बनाना है क्योंकि बड़ा मैच है ये और बड़े मैच में आपको बड़ा पंच मारना पड़ेगा कौन बनेगा मुकंदर का सिकंदर रखने वाले बहुत बड़ी चुनौती है दोनों टीम्स के लिए शॉट अच्छा है फील्डर तैनात है एक रन से इसे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये वो मैच है यहां से आपको इस मैदान का इतिहास लिखेंगे जगन मगर क्रीज पर खड़े हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अभी तक दो चौके और एक छक्का लगा चुके हैं क्रीज पर मौजूद है ¡Gracias!
ପ୍ରତି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଆଗେଇ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ବଡ଼ ମାଛ ଦଳ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଏହି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଠାବନ ରନ୍ କରି ଖେଳିଥିଲେ अजीब तरीके से खेला है ये शॉट है सिंगल कटोरा है जगह में आप जगह की बात कर रहे थे अच्छा भाई कि अभी तक टूर्नामेंट में बल्ला बंदा खामोश रहा है लेकिन ये बड़ा मंच है अगर यहाँ से आप अच्छा खेलेंगे तो अपनी टीम को फायदा दिला पाएंगे क्योंकि ये वो मैच है जो आपको सिकंदर बनाएगा आपको पता होगा अक्षय भाई 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें एमएस धोनी ने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया था लेकिन फाइनल में कितना बड़ा पारी खेला था उस साइड में 92-13 रन का पारी खेला था और विनिंग शॉट लगाया था चैंपियन किया था भारतीय टीम को 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा साइड में हर बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और कितना आपका टीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको अपनी टीम को काम लेकर जाना है ये तो जरूर सब बात का 2011 वर्ल्ड कप में कल्पन काफी ने 97 रन लगाए थे और ये एमएस धोनी ने 92 रन किया था शायद लेकिन आप आपको दिखाई जाता है क्योंकि जो मोती का हार होता है ना सबको मोती नजर आता है क्योंकि लेकिन धागा इतना इंपॉर्टेंट है वो स्क्वेयर टाइप का काफी जरूरत है धागा क्योंकि मोती को बांध के रखता है लेकिन आप ओनली मोती को देखते हैं एमएस धोनी को देखते हैं बहुत अच्छा गंभीर का पारी को नहीं देखते हैं टोटल सर निश्चित रूप से अच्छा भाई अगर धोनी की घातक बात की जाए तो तारीफ कितने करोड़ कम पड़ेगी वो एक ऐसे खिलाड़ी है उन्होंने अपना इंडिया में नहीं पूरे विश्व में कमरा बना के रखा है और अभी अभी ट्रॉफी दिला चुके हैं चेन्नई सुपर किंग को वो मैच तो साइड में है जट्टू और गुजरात के बीच में था 6 गेंद 13 रन 4 गेंद में 3 रन 2 गेंद 10 रन हुआ जट्टू हुआ जट्टू नेक्स्ट जट्टू क्या कमाल की पारी खेली है चेन्नई सुपर किंग के हर क्रिकेट दीवानों को खुश किया है अच्छी फील्डिंग बेहतरीन फील्डिंग इसी अंदाज में करनी पड़ेगी फील्डिंग लेकिन और थोड़ा ये खराब था उसके चलते इसी में चलाया है यहाँ पर अच्छा भाई अच्छा भाई इसे टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेते हैं खली कोर्ट ब्लॉक के एरिया में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है क्या आने वाले टाइम में टूर्नामेंट देखने को मिल सकता है ଏପରି ଲୋକ ସାର୍ ଆମର ପାରିବ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ରାଜୁ ମୋ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବସିଥିଲୁ ରାଜୁ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାକୁ ଘରେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜନ୍ ଟୁ ସେଇ ରାଜୁ ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମାସେ ପ୍ରତିନିଧି କରିବା ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବାନି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆସିଲା କହିଲେ ସକାଳ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କରିବା କେଉଁଠି କରିବା ଆମ ଗାଁରେ କରିବା ଆଉ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ନୱାନ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସିଜନ୍ ଟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ बिल्कुल बिल्कुल हम आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि इस मैदान के ऊपर इससे ज्यादा धमाका हो जाए क्योंकि इस स्थान में जो भी होता है वो बड़ा होता है इस साल में 5-6 साल पहले इस मैदान के ऊपर बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था नाइट देखने के लिए आया था तब इतना फेमस नहीं था तब तो मुझे जानता नहीं था लेकिन इससे टूर्नामेंट की अगर झाका बात की जाए तो इस इलाके का बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसके चलते 6 टीमें इस टूर्नामेंट से अलविदा हो चुकी है अब ये 2 टीमें हैं आपने सामने है कौन इस टूर्नामेंट में ये 2 टीमों के बीच में कौन ट्रॉफी उठा सकते हैं अच्छा भाई आपका क्या नजरिया कह रहा है कि किसके पक्ष में जाता है ये कप बाकी तो उसको मिल रहा है जिसका सपनों में जाना होता है निश्चित रूप में जो अच्छा खेलेगा वो तो जीता जैसे भी वो जीतेगा लेकिन आप ऐसे प्रेडिक्शन देगा तो वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल सही बात है इसमें कोई कुछ बात नहीं है क्योंकि जो बेटर खेलेंगे तो मैच जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है जो जीता उसी के अंदर किसकी तकदीर में लिखी है चमचमाती हुई ट्रॉफी किसकी तकदीर में लिखा है मैदान का इतिहास सीजन 1 कौन बनेगा विजेता कौन अपनी ट्रॉफी को ऑटो से लगाएंगे
ये वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल चौथा ओवर चल रहा है, एक और लेग बाई के रूप में होगा साइड में। जी हाँ, और सिंगल की मदद से स्कोर का पहुंचा है 37 लक्स ऑफ वन विकेट। अच्छा भाई सॉरी, दो विकेट जीत चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वजीत, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। इसी के चलते अपनी टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया है क्योंकि ये खिलाड़ी बड़े खतरा है। ये जिस दिन ऑप्शन हुआ था क्या भाई विश्वजीत जगान राजेश और भी खिलाड़ी थे वो टॉप लेवल में आए थे ऑप्शन में और हर एक ओनर को उम्मीद थी कि राजेश हमारे पाले में पड़ जाए लेकिन राजेश का टीम इसे टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। मैनेजर अजय मदर सूचना समस्त कोलकाता सब यूथ क्लब रो समस्त सदस्य गुड भोजन रो आयोजन की जगह में जाकर तो समस्त दर्शक जो माने भोजन कर लो चाहती इस भाव से जगह को भोजन कर लो तो समस्त सदस्य कोलकाता सब यूथ क्लब रो समस्त सदस्य लेकर जाकर गुड भोजन आयोजन कर लेंगे। बड़े बड़े सितारे उपस्थित हो रहे हैं। अच्छा भाई बालूराम से आते हैं मटपुट से बहुत बड़े सितारे टूर्नामेंट की चर्चा है बालूराम में रोज होती है कि ये टूर्नामेंट बड़ा है ये टूर्नामेंट की कहानी कुछ अलग है इस टूर्नामेंट का इतिहास कुछ अलग है। ऐसे टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स में हर खिलाड़ी को मौका मिलता है अपना परफॉर्म दिखाने के लिए। चार ओवर की कहानी समाप्त हो चुकी है, स्कोर लगा स्कोर बोर्ड पर 38 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। क्या भाई पावर प्ले में क्या भाई रन लगा है 38 बोर्ड पर 38 है क्या इसको चल रही है आपके यहाँ से वो विकेट भी गवा दिए निश्चित भाव में गोटे बॉलर स्कोर लगभग बार क्रिकेट अच्छा गणेश मात्र तक सात होती चार ओवर 38 रन होती निश्चित भाव में गोटे बॉलर स्कोर होती आप ट्राइक पर फाइव अच्छी निश्चित भाव में वो क्रेडिट स्कोर 35 भितर स्कोर रहा मैं आशा करूँ। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर तकनीक के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ेगी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों टीम के लिए है चुनौती खचाखच भरा हुआ है क्राउड सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में हर क्रिकेट मैच ने अपना किरदार निभाया है व्हाइट का रिव्यू लिया है जगन ने थर्ड एम्पायर के पक्ष में गया है ये फैसला सिग्नल क्या आता है उसका इंतजार करना होगा। समस्त सदस्य जो भोजन आरेंजमेंट कर दर्शक भाई अनुरोध भोजन तो निश्चित भाव डांस नहीं करेंगे जहां अंपायर बबुल भाई देखुंट
क्रिकेट लाइफ क्रिकेट कल्चर लाइफ क्रिकेट कल्चर लखनऊ सुपर जायंट संग्रह 38 रन 2 विकेट 26 विकेट सिद्धार्थ साई एवं विकेट पात्र रनआउट 38 रन 2 विकेट अपर पक्ष मिथुन विश्वजीत सोनू दीपू जाली रोशन बहुत दक्ष बैट्समैन अच्छा नहीं था तो लीगल गेंद था तो बबलू का मानना है ये रूल्स रखे गए हैं अच्छा भाई कि अगर बल्लेबाज को लगता है कि ये गेंद वाइट है और एम्पायर ने नहीं दिया है तो वहां पे थर्ड एम्पायर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो रिव्यू लॉस्ट हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स का एक रिव्यू बचा है उनके पास ऑफिस टाइम से थोड़ा बाहर लगा था गेंद इसलिए रिव्यू लिया था लेकिन वो लीगल डिलीवरी था इस वजह से उसको राइट करा दिया बबलू एम्पायर ने दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे अच्छे भाई आप क्योंकि हर खिलाड़ी की बातचीत हम करते हैं हर बल्लेबाज की बात करते हैं हर गेंदबाज की बात करते हैं एम्पायर की बात करते हैं और जो दर्शक अपने कीमती वक्त लगा के यहाँ क्रिकेट को देखने के लिए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसी डॉट के साथ पांचवा ओवर समाप्त हो चुका है स्कोर लगा स्कोर बोर्ड पर 39 रन इस ओवर में मात्र एक रन आया है तो हम सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि बहुत दर्शक ऐसे भी हैं जो बहुत दूर दूर से आए शर्मा ओवर लेके आएंगे विश्वजीत अच्छी गेंद ये डॉट बॉल से स्वागत किया है 15 ओवर का मैच है मैदान के ऊपर गर्मी बहुत है लेकिन गर्मी महसूस करेंगे नहीं खिलाड़ी क्योंकि उन्हें ट्रॉफी मिल आ रही है कहां रास्ता में लोग मैंने गाड़ी रखी हुई दयाकरी बाहर कर दियंतु सेपटे दीपाशा का असुविधा होती बसो सेपटे के जो अच्छे बाहर कर से गाड़ी क्लीन बॉल चलेगा कप्तान को Thank you.
खूबसूरत शॉट है, गेंद में है, चौका बटोरा है, खूबसूरत चौका है।
काम किया था बालू गांव में कि बालू में अंपायर आए आज से केशपुर रामचंद्रपुर गांव में, तो बालू गांव से मैक्सिमम 20-25 लोग आए मैच को देखने के लिए, सिर्फ बबलू को देखने के लिए आए। तो बबलू को मैं कहना मैं इतना ही चाहूंगा कि आपके पास जो टैलेंट है वो आप दिखा दीजिए आज, क्योंकि इस एरिया में आप बहुत कम आते हैं। आप उसी एरिया में रहते हैं कटक भुवनेश्वर जगत सिंहपुर, लेकिन आप इधर आज आए हैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, तो अपना धमाल आप दिखा दीजिए। आपके पास जो है वो टैलेंट आप दिखा दीजिए। ठीक है, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा क्योंकि बबलू को देखने के लिए दर्शक बैठा है। खर्चा कुछ भरा हुआ है स्टेडियम, जिसमें से मैक्सिमम नहीं तो बबलू के लिए स्पेशल आए बहुत लोग मैच देखने के लिए। और वैसे तो हमारे ये उड़ीसा की क्या हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि मैच जहां है वहां लोग रहते हैं, क्योंकि क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने होते हैं लोग। ये भीड़ एक रन हो रही है क्योंकि ये भीड़ बयान करती है। अक्षय भाई के पास माइक्रोफोन नहीं है, राजेश के पास है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये भीड़ बयान करती है कि लोग क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं। राजेश क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों के बारे में, क्योंकि दर्शक आपको देखते हैं आप अनवर छक्के मारते हैं, लेकिन आप फाइनल में आप नहीं है इस मैदान के ऊपर। निश्चित भाई भाई प्रबल भाई भाई जहाँ भी कर अच्छी फील्डिंग, रन बचा यहाँ पर पूरे तीन, इसी अंदाज में करनी पड़ेगी फील्डिंग। क्या कहना चाहेंगे राजेश आप इस पल को, इस मैच को? आज अगर आप यहाँ खेल रहे होते, अगर वो मैच आप जीत जाते, कितना मिस कर रहे टूर्नामेंट को आप, इस फाइनल को? बहुत मिस हो रही थी टूर्नामेंट फाइनल को, बहुत मिस हो रही बहुत मिस हो रही सभी दर्शकों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि खाने का बंदोबस्त किया गया है, अगर आपको खाना है सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं जिसको खाना खाना है वो डीजे के पीछे खाने का बंदोबस्त किया गया है, आप खा सकते हैं। और बहुत बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि दूर से आए हैं क्रिकेट को देखने के लिए, उनके लिए खाने का बंदोबस्त रखा गया है, अब खाना खा सकते हैं और क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नजारा है इस मैदान का, और कितनी अच्छी सोच है ऑर्गेनाइज की गई टूर्नामेंट को, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, काफी तारीफ करनी पड़ेगी। जीतू भाई, राजू खुद खेल रहे थे टूर्नामेंट में, मनु भाई और भी लोगों के नाम नहीं जानते हैं, सभी की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। टूर्नामेंट को बहुत सटीक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, बहुत है टूर्नामेंट को शांति और सुधार रूप से संपूर्ण करने जा रहा है। बस आपको कुछ ही पल बचे हैं, एक दिन है कल टूर्नामेंट का अंतिम दिन होगा। वैसे था तो आज ही, लेकिन रात है आज उड़ीसा के लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, इसके वजह से उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने बनाया है कि नहीं आज जो भी होगा शुभ काम आज नहीं किए जाएंगे, इस वजह से आज इस फाइनल को रोका गया है, फाइनल दिवस कल रखा गया है। मुख्य अतिथि भी आने के प्रयास में थे, वो नहीं उपस्थित हो पाए, उनकी वजह से फाइनल को रोका गया है और ये फाइनल कल खेला जाएगा। और सभी अनुष्ठान की तरफ से सभी क्रिकेट प्रेमियों को फिर से इनवाइट करते हैं कि कल आप फिर से उपस्थित होना, क्योंकि इस टूर्नामेंट का कल होगा ग्रैंड फिनाले। राजेश थैंक यू सो मच मुख्य भूमिका ग्रहण कर समस्त भाई मैंने जानते राजू भाई अशेष अशेष धन्यवाद राजू भाई को कहीं
हम प्लेयर को पसंद करो डिसीजन वाइट वाइट में जाइए सजना आप ना बन जाए एक तरफ संतोष सारे दूसरे तरफ आप लोग तैनात है वहां पर एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर क्या पहुंचा है 53 रन बेसब्री से इंतजार था कि क्यों ना बैठे बड़ा नहीं हो रहा एरिया में ये अच्छी गेंद था सुंदर को लेकर होना ସ୍ଥାନ ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କଥା ଅଟକି ଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁରେ କି ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭାଇ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ସମସ୍ତେ କହିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବରେ ଟ
दरिया समस्त प्लेयर ग्रामीण ये दरिया आम समस्त एकाठी अच्छे सब प्लेयर कैसे कैसे दूर में आसिकी ए दरिया आसिक दरिया मंदिर आम समस्त प्लेयर किए किए दृष्टि आसी घर में सब प्लेयर होंपायर हूँ जितने दर्शक हूँ बाचर गाँव हूँ जेकोसी भी हूँ समस्त मुख्य भूमिका रही टूर्नामेंट पाई प्रीमियर लीग प्रथम धन्यवाद देवी राजभाई कहीं प्रीमियर लीग बहुत सफल होकर भाईचारा खेल यह भाव में प्रति वर्ष टूर्नामेंट बा प्रीमियर लीग जारी रखू चार विकेट गिर चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। स्कोर लगा है 54 रन। लास्ट ओवर में अब तक 5 ओवर में 19 रन बने हुए हैं, तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कर रहे हैं आरसीबी। ये शॉट अच्छा है, फील्डर है लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग। सातो सातो कुमार प्रयास तो अच्छा।
खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके नाम पर्पल कैप है। अब तक 20 विकेट ले चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंदबाजी की है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। किरदार अच्छा निभाना पड़ेगा इस मैदान पे। विद्वान लिखने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा हर खिलाड़ी को। मौसम भी सुहाना हो चुका है। खिलाड़ियों के ऊपर इंद्रदेव ने रेम किया है। बोल गाना पड़ेगा बापे का रास्ता तय करना पड़ेगा। एक और विकेट आया फटाक
पहले इनिंग्स के 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर लगा स्कोर बोर्ड पर 69 पांच विकेट के नुकसान पर। चार ओवर में 39 बने थे, उसके बाद अच्छी वापसी की यहां पर आरसीबी टीम ने, यानी कि बैंगलोर टीम ने पांच विकेट गिरा दिए हैं और अब तक सामने वाली टीम को बांध के रखा है। अच्छी गेंदबाजी भी कर रहा है, अच्छी कप्तानी हो रही है। ये
एक और विकेट। निश्चित रूप से आप बेटा सही बात कर रहे हैं कि स्पॉन्सर की आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से इतना बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन हो पा रहा है, क्योंकि हर टूर्नामेंट के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो इस टूर्नामेंट के पीछे सपोर्ट है स्पॉन्सर का, बड़े दिलवाले हैं। रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन गवा दिया यहाँ पर। इसको भला में लगता है 79 फाइनल मैच को भारत का मैच को स्पॉन्सर करी थी अमृता ट्रेडर्स गोटे 22 सेकंड स्पॉन्सर करी थी स्वतंत्र भाई दीपक कुमार साहू भारी रोजा फाइनल मैच रो भारत का सीरीज गोटे 32 इंच रो एलिट टीवी स्पॉन्सर करी थी प्रसाद रेस्टोरेंट फ्रॉम गुरापली। ये वाइड गेंद है और ऑडियंस के लिए जो प्राइज रखा है, लेकिन छक्के लगेंगे तभी तो पकड़ेंगे। फाइनल मैच रो विनर रन ट्रॉफी स्पॉन्सर करता है एसएमएस ट्रेडर्स रंगोरिया जी सब रूपति प्रकाश चंद्र सासवाल प्रकाशीपुर सरपंच कनेपुर फाइनल मैच का भोजन व्यवस्था स्पॉन्सर करते थे अशोक प्रभात राम बापुरगा। एक टूर्नामेंट एंट्री हुई थी रामचंद्रपुर प्रीमियर लीग सीजन 1 का ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप होल्डर स्पॉन्सर करी थी। ये नो गए मेरे दोस्त है, मैं बहुत टूर्नामेंट में गया हूँ कमेंट्री करने के लिए, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो स्पॉन्सर है मैंने अब तक नहीं देखे दोस्त। बिल्कुल बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत प्रशंसा करनी पड़ेगी उनकी। फायदा उठा नहीं पाए, बड़ा हिट लगा नहीं पाए, ग्रीन गेंद था उसका फायदा उठा नहीं पाए सीधू, बड़ी हिट लगानी पड़ेगी, बड़े शॉट मारने पड़ेंगे, मैच इंपॉर्टेंट है ये। एक समय एक और चुरा लिया है ओवर थ्रो के चलते। एक समय ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर में 39 रन बने थे, तब ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से 150 तक पहुंचेंगे, लेकिन अच्छी वापसी की है यहाँ पर आरसीबी टीम ने। और कप्तान ने कहा भी था कि हमें 125
पिच तक रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है और निश्चित रूप से वो हो भी रहा है। 7 विकेट गिर चुके हैं, एक स्कोर लगा है 100 पॉइंट पर। एक टूर्नामेंट भागलपुर यंग फ्रॉम भागलपुर फाइनल मैच में जो बैट्समैन हाफ सेंचुरी अर्धशतक हासिल करते 555 टकर नगद राशि स्पॉन्सर करते थे अक्षय प्रभात फ्रॉम बाकुटका। एक टूर्नामेंट डेली डेली मैन ऑफ द मैच प्रत्येक दिन मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर करते स्टूडियो एनडीके एवं यही फाइनल दिवस रहे चीयर्स का स्पॉन्सर करते थे कार्तिक परिडा फ्रॉम मोहनपुर। तीन ओवर बाकी है, कहां तक पहुंचेगा टोटल क्योंकि स्कोर लगा है स्कोर ओवर पर 87 तैनात है वहां पर। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी हो रही है रेवंत देव की ओर से, अच्छी कप्तानी हो रही है। एक टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट की आखिरी होल्डर को नहीं अनुचित कर देखा सही आखिरी होल्डर का सहयोग एवं आशीर्वाद। सही महोत्सव सहयोग एवं आशीर्वाद देखो यही टूर्नामेंट की सफल रूपे चालू अच्छी कोलकाता नाइट राइडर्स का ओनर थे श्रीयुक्त के आर महाराणा, दिल्ली कैपिटल्स का ओनर श्रीयुक्त चित्र सेन घोष, गुजरात टाइटन्स का ओनर श्रीयुक्त अरुण कुमार फुंटिया। एम्पायर जा रहे हैं थर्ड एम्पायर के पास, चेन्नई सुपर किंग्स का ओनर श्रीयुक्त भिखारी चरण तांडी, मुंबई इंडियंस ओनर श्रीयुक्त बलराम दलई, लखनऊ सुपर किंग्स का ओनर श्रीयुक्त संतोष कुमार स्वाई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ओनर श्रीयुक्त शेखर परई, राजस्थान रॉयल्स का ओनर श्रीयुक्त समीर साहू। यही महोत्सव को बहुत बहुत धन्यवाद रौची एमपीवाईसी रामचंद्रपुर सीजन प्रीमियर लीग सीजन वन कमिटी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आपको मूल्यवान समय प्रदान करी एक टूर्नामेंट को सफल कर चुका ऑर्गेनाइजिंग कमिटी तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़िया शुरुआत खेलता लखनऊ सुपर जैक्स को उनकी दुनिया पर बड़े कौन से बोली बैट्समैन बढ़िया मध्य दिशी रोहित मध्य में नब्बे रन पे आठ रन पे विकेट पता नहीं सा दिशी सुजिता सरपंच मानिकपुर सरपंच मथुरा सरपंच तलमना महादेव को अनुरोध रहिबा से गेस्ट सर्वर रूपे मंत्री रहबे परवर्ती बाल अनंत वो ड्राइव करने को प्रयास करते कि क्या तुम्हारा सम्मान सुन क्या आए मुझे किस तरह धक्का लगी थी लखनऊ सुपर जैक्स हेलो आप लोगों को विकेट पर धक्का लगी थी लखनऊ सुपर जैक्स प्रथम और बहुत बढ़िया सुपर मिलता जगह है तो बैटर किंतु तापार पर कौन सी बैट्समैन सफल हो रहा है जबर निश्चित रूप से फाइनल मैच का प्रेशर वही थी दो दौर में किंतु आखिरी दौर में नियत रूप से उसे भलो कम पे करते जो हना सीमा बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दरार नहीं है टीम कर रही है एक्सटर्नल इस बात पे रखने सुपर जाएं नौ विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे टोटी मैदान पर है स्कोर लगा है स्कोर बोर्ड पर नब्बे रन एक अच्छी शुरुआत मिली थी लेकिन उसके बाद है पार्टनरशिप नहीं लगी किसी खिलाड़ी के बीच में इस वजह से अंतिम जोड़ी है रनआउट के लालच में मैंने गवाया यहाँ पर हो चुकी है ऑल आउट लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी हो चुकी है समाप्त टॉस जीता था कप्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और आरसीबी ने होता है 9-0 पर कर दिया है ऑल आउट
देखी दे ठीक ठाक अच्छी नहीं ठीक न देखे अच्छा ठीक अच्छे तो माकड़ बस डाल रे क्रिकेट कालसन मो पढ़ा चलिए अच्छी खबर यह है कि बबलू और संतोष भाई मैदान पर उतर चुके हैं क्रिकेट की कहानी को बयान करने के लिए। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं क्रिकेट प्रेमियों का कि ये बिग टूर्नामेंट की रिलीज होने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ते जाइए, हम क्रिकेट की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस टूर्नामेंट का टॉस का कार्यक्रम हुआ था तब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान ने टॉस जीता था और फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए 15 ओवर के मैच में 90 रन बनाए। और बैटर टीम को इन्वाइट किया है कि आप लोग पहुंचेंगे 91 रन तक तो फिर आप मैच जीत सकते हैं। इनफैक्ट खिलाड़ी गए हैं और उनके साथ जो ड्रॉप हुए हैं शीलू बहुत अच्छे रूल रहे इस टूर्नामेंट में। इनफैक्ट खिलाड़ी भी रहे आईपीएल का सारा रूल था। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बिग टूर्नामेंट और बारिश का थोड़ा खतरा मंडरा रहा, इस वजह से मैच जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे इनिंग्स के साथ आप जुड़ जाइए हमारे साथ। स्ट्राइक पर है विश्वजीत और गेंदबाजी का भाग संभालेंगे गेंदबाज। लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छी गेंदबाजी करके रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग तो डंडो चेस कर रहे हैं चेन्नई सॉरी आरसीबी बेंगलोर टीम। डॉट गेंद क्या हुई है? जी हाँ, डॉट गेंद से स्वागत किया है गेंदबाज संजय। लगातार बड़ी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि कब टोटल आपके सामने मैच बनाने के लिए कब कब झोंकना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी। बेंगलोर टीम को मैच जीतने के चाहिए 91 रन। 15 ओवर का मैच है, 4 ओवर का पावर प्ले। टूर्नामेंट की बिगेस्ट स्टोरी कल होगा टूर्नामेंट का फाइनल और यही दो टीम होगी आमने सामने किसकी तकदीर में लिखी है चमचमाती हुई ट्रॉफी। कौन बनेगा मुकंदर का सिकंदर? रन चुराया है, खाता खोला है टीम का आरसीबी टीम ने। देखो क्रिकेट के अंतराल में आज शुरुआत अच्छी हो जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स की विकेट मिल जाए और लगातार डॉट लेने होती रहेगी तो फिर कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट एक अनसर्टन गेम है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। गेम बन भी सकता है क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि मुकाबला रोमांचक होना चाहिए। दर्शक अभी नहीं चाहेंगे कि मैच एक तरफा हो क्योंकि दर्शक सिर्फ उसे रोमांचक मुकाबला देखने के लिए आते हैं जिस तरह से हुआ था चेन्नई सुपर किंग और गुजरात के बीच। जिस तरह का फाइनल होना चाहिए वैसे ही फाइनल हुआ था। वो दिन कोई भुला नहीं सकता, वो समय कोई भुला नहीं सकता। टाटा आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग के नाम हुआ था, वो कॉन्टेस्ट मुकाबला और हम आशा उम्मीद करते हैं कि कल इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा तब ऐसा ही मैच होना चाहिए। ये खूबसूरत शॉट है रन लेने यहां पर चार Thank you.
इसका। खूबसूरत शॉट है ये, फील्डर तैनात है नहीं वहां पर, छक्का लगा है। स्कोर लगा है 11 रन, एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है बेंगलोर टीम की, एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, एक अच्छी गेंद जम चुकी है। कम टोटल तो चेस कर रहे हैं, 91 रन चाहिए मैं जीतने के लिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जांच में है वो टोटल सामने नहीं करा दिया है, जिससे कि आप फंस सकते हैं। और क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, मैच बन भी सकता है, मैच फंस भी सकता है। एक और छक्का, एक खिलाड़ी रुकेगा नहीं, एक खिलाड़ी रुकेगा नहीं। YouTube चैनल चल रहा है क्रिकेट है कल्सन, आप YouTube पर जा सकते हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बबलू एम्पायर आप देख सकते हैं। बेहतरीन एम्पायरिंग करते हैं, इससे एम्पायर ने अपने कीर्तिमान से अपना नाम बनाया है। अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, लगातार बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा मैच बनाने के लिए। और बहुत दूर दूर से दर्शक उपस्थित हुए हैं बबलू एम्पायर को देखने के लिए, ज्यादा उम्र नहीं है बबलू की, और कीर्तिमान बहुत नाम बना चुके हैं उड़ीसा में, उड़ीसा की गलियों गलियों में खिलाड़ी में एम्पायर का नाम है। आप YouTube चैनल पर मार करेंगे बबलू तो भी मिल जाएंगे आपको ये। खूबसूरत शॉट नहीं है ये, विकेट बन सकता है, बना है, झटका लगा है पहला आरसीबी को। बहुत बहुत धन्यवाद है बबलू एम्पायर को।
और बहुत बहुत धन्यवाद क्रिकेट अनुष्ठान को, क्योंकि अच्छा क्रिकेट हुआ इस मैदान पे अब तक। मैक्सिमम में 22 से 20 दिन से चल रहा है टूर्नामेंट, बड़े बड़े टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से टीमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। आरआर राजस्थान बड़ा टीम था, और उसके साथ गुजरात बड़ा टीम था, लेकिन ये टीमें इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। इस मुकाम तक पहुंची है ये दो टीमें। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि लखनऊ टीम ने पहले बल्लेबाजी करके 15 ओवर के मैच में 90 बनाए और वो ऑल आउट हो गए, अब तो फाइनल तक पहुंचे कैसे हैं? नहीं, ये गलत सोच है, ऐसा कभी कभार होता है। अगर ये टीम अच्छा ना खेलते तो यहां तक नहीं पहुंचे होते। शफका मिला इस बार, लेकिन वो दो गेंदें
चेन्नई सुपर किंग का हीरो बनाया है वो दो गेंदों ने। रोशन जडेजा एक रन तो हो चुका है लेग बाई के रूप में और तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। दूसरी इनिंग्स का स्कोर लगा है 30 दो विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर में 30 बने हैं और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी लखनऊ सुपर जायंट्स को और विकेट लेने पड़ेंगे कुछ छो में। अगर विकेट नहीं लेंगे तो फिर मैच निकल जाएगा हाथ से। अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी किससे बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है और कैसे वक्त में कहां फील्डर को तैनात करना है ये कप्तान के ऊपर बहुत निर्भर रहता है। और जगन कप्तानी कर रहे हैं तो जीता था बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था जिसके चलते 13 ओवर में ऑल आउट हो गई टीम। स्कोर लगा 90 और अब उनके पास उनके हाथ में है गेंद जिस खिलाड़ी के सर पे पर्पल कैप है। एक और विकेट पर्पल के बेंगे सर पे है तो कप्तान को नहीं दिया है मेरा जगन ने बुलाया बाबूलाल तो एक और अच्छी गेंद इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से अपनी काबिलियत से और इस ओवर में विकेट लेके दे चुके हैं अपने कप्तान को। बाबूलाल के कोटे में अब तक 21 विकेट जा चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी की है इस युवा खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में लेकिन ये खराब गेंद था साइड में नो गेंद है ये थ्री-एंड गेंद है। क्या ये गेंद जाएगी
स्टैंड में, क्योंकि बबुला बाबुला वापसी करना जानते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की भी है। भरपूर फायदा नहीं उठा पाए, पीरियड गेंद था, एक और डॉट गेंद हो चुका है, तीसरा ओवर समाप्त, दूसरी इनिंग्स का सॉरी चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर लगा स्कोर बोर्ड पर 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कहानी बन सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स कोशिश कर रहे हैं लगातार, प्रयास लगातार कर रहे हैं, कोशिश लगातार कर रहे हैं, गेम बन सकता है, अभी मैच से आप बहुत दूर नहीं है। इस खिलाड़ी को रोकना आसान नहीं होगा। एक और अच्छी गेंद, लगातार बेहतर गेंदबाजी करो, विकेट गुच्छों में बटोर लो तो फिर आ सकता है कुछ। देखो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, विकेट लेने पड़ेंगे, मैच बनाना है वरना बहुत देर हो जाएगी। डिफेंस किया है, ये अच्छी सोच है क्योंकि पता है इस जीत को ये मैच की अहमियत क्या है, क्योंकि आप उस मंच पर खेल रहे हैं जो मंच आपको ट्रॉफी दिलाने वाला है। भरपूर फायदा उठाया, ये गेंद था शॉट लाइन के ओवर, उसका फायदा उठाया है। चला ले पीछे एम्पायर को, मैंने एम्पायर को देखिए शॉर्ट गेम के साथ पांचवा ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर लगा स्कोर बोर्ड पर 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो जब तक इस पर विश्वजीत मौजूद है तब तक यह मैच आरसीबी के पक्ष में। इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से अपनी टीम को बहुत भरोसा दिलाया है। ए भाई 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 हेलो कौन बच्ची अरे
अपने एम्पायर से ये परिचित है। हल्का अपील था, लेकिन हल्की अपील से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं बबलू एम्पायर के ऊपर। बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, रात में एम्पायरिंग, दिन में एम्पायरिंग। गेम बोल निकुल दारो मदार है, मैच जिताना पड़ेगा क्योंकि कम टोटल है सामने। अगर यहां से मैच आप जी भी हार जाए ना तो ये सर्वाधिक हार होगी, क्योंकि कम टोटल को आप डिपेंड कर रहे हैं, वो टोटल आपके सामने है नहीं जिससे भी आप मैच हार रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है कि कभी कभार आप फंस सकते हैं और मैच निकल सकता है हाथ में से, क्योंकि चार विकेट गिर चुके हैं आरसीबी टीम के और स्कोर लगा है 50 रन। छठवां ओवर चल रहा है, 15 ओवर का मैच है जरूर, और जब तक बाबूलाल के हाथ में गेंद है तब तक विकेट मिलते रहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी को विकेट लेने की आदत ही पड़ चुकी है, विकेट की हमेशा भूख रहती है इनको। घर से खाना खाने में आएंगे लेकिन बताएंगे मैं तो विकेट खाने जा रहा हूं, मुझे विकेट चाहिए। जब तक कप्तान ने गेंद हमारी एक हाथ में है तब कप्तान को निराश नहीं किया है, विकेट निकाल कर उनके हाथ में दे दिया। ये बहुत अच्छी है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी एरिया अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते एक ओवर और समाप्त हो चुका है, छठवां ओवर समाप्त हो चुका है दूसरी इनिंग्स का, और स्कोर लगा स्कोर बोर्ड पर 50 रन। नौ ओवर में 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अब ये मैच किसके पक्ष में जाएगा ये समय ही बयान करेगा, फिलहाल मैच खत्म हुआ नहीं है, अभी 41 रन चाहिए। तो अच्छी थी लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए, एक रन तो चला लिया कप्तान क्रीज पर है, एक तरफ है कप्तान दूसरी तरफ है विश्वजीत। निकल गई गेंद, ऐसी गलतियां करोगे ऐसी चूक करोगे तो मैच निकल जाएगा हाथ से। एम्पायर को देखिए, मैंने एम्पायर को क्या अलग अंदाज में कर रहे हैं एम्पायर।
अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, डायरेक्ट हिट भी लगा था। अगर जरा सी चूक कर देते बल्ला आज तो विकेट मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन चालाक नहीं उसे जी बीच से बैठ नहीं हटाया था उन्होंने। एक रन और चुराया अच्छा भाई, एक पक ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर खड़ा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्योंकि चार ओवर में 49 बने थे। उसके बाद अच्छी वापसी की थी आरसीबी टीम ने, अच्छी गेंदबाजी की थी जिसके चलते 90 में रोका गया गया चल गया। निश्चित ओवर में बड़ा चार्ट था लखनऊ सुपर जायंट्स का, करो मात्र 3 ओवर में 35 से भी विकेट बना बोल था क्षेत्र को धोना बैटिंग को था, किंतु परिस्थिति भलो था तथा विकेट पत्र पर कंटिन्यू विकेट बॉडी चल रहा है, बड़ा बड़ा टारगेट लक्ष्य रहले तेनो कंटिन्यू होकर विकेट पड़ला 90 रन भीतर से रन आउट होले। 90 रन भी एक आउट हो गए छोटा स्कोर न हो तथापि मैच जारी रहते चाहिए विकेट का ऐसा लगे यदि मिथुन विश्वजीत रोड विकेट पत्र पर पहुंचे और 35 रन प्रसार नहीं करे वो नहीं आरसीबी देखा जो मैच इस आंसर पर क्रिकेट को क्रिकेट पर विशेष प्रेक्षण नहीं करे देखा जो तो होगा। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं अक्षय भाई, 57 स्कोर लगा इस बोर्ड पर, 4 विकेट गवा दिए हैं। और अच्छी खबर यह है अक्षय भाई के स्क्रीन के पास में स्टेट पर बैठे हैं सोनी भाई का बालुआ से मैच देखने के आए हैं और बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और उनके पास में बैठे हैं अर्जुन बेहरा, वो बहुत उनके बहुत बड़े फैन हैं और उनके साथ शंकर वाणी है बेहरा, वो बहुत बड़े एके फैन हैं और बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ड्यूजन के साथ आजकल क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के सिकंदर हैं, आजकल हर क्रिकेट फैन से मिलकर आज चलते हैं, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? निश्चित तौर पर साधन भाई जन प्रिय व्यक्तित्व से भल क्रिकेट खेलती आम पिला खेल देखे बड़ हो सहित खेल भी सफलता आम सहित ओपनिंग भी कर मैच निश्चित भाव में जो भल बैट्समैन धारा बैट्समैन आम एरिया से बैट्समैन नहांती से जो सर्ट फ्लिक कर खेलती डांस खेलती बोल खेलती सर्ट क्योंकि समस्त सदस्य समस्त सदस्य आसान छोड़ दिया कैच बन सकता है, तो हर कैच आपको पकड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप मैच से भी दूर नहीं रहे हैं, सुपर जायंट्स कैच पकड़ो अच्छी गेंदबाजी करोगे तो मैच बन सकता है, मैच खत्म हुआ नहीं है, ले पाई का रूप में पाई अगर एक रन और चुराया अच्छा भाई। हम सोचे भाई के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने जब से क्रिकेट शुरू किया है उनके आगे जो खिलाड़ी पैदा हुआ है वो खेल के खत्म हो चुका है और वो क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं और ऐसा नहीं कि नाम के लिए खेल रहे हैं, अभी भी उनके पल्ले से रन की बरसात हो रही है, ब्लू चेन के साथ खेलते हैं, राउंड राउंड गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी लेते हैं और बड़े बड़े शॉट भी लगाते हैं। टेनिस क्रिकेटर आम देखे बाबू स्वाधीन भाई कारण जो टेनिस जो प्रकार फिटी बल पता बल सब भगवान स्वाधीन भाई कहे ये सब खेल संभव नुह तर से फोकस कर आगे भी खेलते कर्म कले भी खेलते कर्म कले कि रवींद्र सिंह सब देखते तीन चार चार विकेट 50 बहुत दिन शतक लेखी मुझे जैसे मेसेश्वर भाई तुम ब्राइट शतक लेखी पार नहीं पिला समस्त आशा देना शतक भी लेखी पार नहीं मुझे निश्चित भाव में चाहिए
साजिद भाई जो आगे दूसरी टीम में चले गए बताएं किस तरह से उन्होंने सफल मारा तो वो आशा बहुत चालू से करीब 5 वर्ष से खेल रहे हैं आठ ओवर परिसमाप्ति पावे रन स्कोर 60 60 लॉस ऑफ 4 विकेट्स और मात्र 31 रन आवश्यक करूंगी आरसीबी प्रथम फाइनल विजय करने पाई 42 बॉल रन आशा था कल आउरी दुई टी मैच बाकी रही छी आज रो मैच रे तो कोनसी टीम को फाइनल रूपे घोषणा कर दिबो नहीं जेउ दल तीनोटी मैच रु दुई टी मैच रे विजय हासिल करबो से निश्चित रूपे आरपीएल सीजन 1 रे विजेता घोषित कर दिबो बिल्कुल इसमें कोई डरा नहीं है मैच का रिजल्ट कल दिया जाएगा आज नहीं बेहतरीन शॉट अगर अंदाज में खेला था ये शॉट नहीं करता अंदाज में मिथुन का ये होम ग्राउंड भी है उस मैदान पर वो अनेक मैच खेले और मैच जिताने की कोशिश कर रहे हैं और स्कोर क्या पहुंचा है 64 नौवां ओवर चल रहा है इकतालीस गेंद में 27 रन चाहिए इस बार फील्डर तैनात है लेकिन रन चला लिया यहां का और आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कल मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि ये दो टीमें फिर होंगी आमने सामने और कल खेला जाएगा फाइनल मैच एम्पायर मैच कंट्रोल रखिए क्योंकि बारिश का खतरा मंडरा रहा है इस बार डिफेंस किया विश्वजीत मैच को जिता कर ही लौटेंगे समय बना रहे हैं और पीछे ऊपर काफी वक्त बिता चुके हैं और कोई बड़ा स्कोर है नहीं सामने ये खूबसूरत शॉट है एक्सीलेंट कवर ड्राइव चौका बटोर लिया और धीरे धीरे स्कोर के करीब पहुंच रहे अब चाहिए 38 गेंद में 22 रन स्थान राउंड गेंद हुई है और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये मुकाबला आरसीबी के पक्ष में जा रहा है अब मैच यहां से लखनऊ को बनाना आसान होगा नहीं कुछ करिश्मा करना पड़ेगा करिश्मा तो होता है कि हैट्रिक वगैरह कुछ मिल जाए किसी गेंदबाज को और एक दो ओवर मेडल हो जाए तो फिर कहानी में कुछ आ सकता है वरना आरसीबी ये मैच जीत लेगी फिर अब चलिए मैच जीतने के लिए 36 गेंद में 21 रन और स्कोर लगा है 7-0 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर छह ओवर की कहानी बाकी है 36 गेंद में 21 रन चाहिए 36 बॉल 21 रन जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नहीं है वो तो अलग भी चला जाएगा एक और कबड्डी भाई और एक और चौका बल्लेबाज कोई नहीं सुनिए
लखनऊ सुपर जायंट्स विनिंग शॉट कप्तान के
वाले से।